जादू कहाँ से कर रहा था? शमशान से कब्रस्तान से? शमशान से कर रहा था ना रे, समझ में नहीं आ रहा कहते रे। मेरे को सब मालूम होता मगर तेरी जबानी पूछना पड़ता। समझ में नहीं आ रहा, किसकी जबानी पूछना पड़ता? तेरी, मेरी जबानी क्यों पूछूं मैं? बैठूंगा तू अंदर मनमाना करेगा तू। तौबा कर, दोनों हाथ मुंह मार के तौबा कर, जोर से तौबा कर। तौबा तौबा बोल, अल्टा के बोल, तौबा तौबा चीख मार, चीख मार के बोल, दोनों हाथ मुंह पे मार के बोल, तौबा 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 कर जल्दी, तौबा तौबा तौबा, चीख मार। चल बाहर निकल जा, अब सब जला के राख कर दे, निकल साले कमी, चल बाहर छोड़ उसको। चला चला और जोर से, और तेजी के साथ, और जोर से, और जोर से, पूरी ताकत लगा जोर से, आवाज लगा, आवाज जला, और जोर से, और जोर से, और जोर से, हाँ लगा, पूरी ताकत लगा, पूरी ताकत, हाँ। शमशान से, कब्रिस्तान से, कहाँ से पकड़े थे तुझे? जोर से बोल, जोर से बोल, कहाँ से आया था बच्ची के आंग में? इसका नाम समरीन बेगम के आंग में कहाँ से आया था? हाँ जल्दी बोल ना, जला देता पूरा। हाँ कहाँ से लाए थे? शमशान, कब्रिस्तान, हाँ बोल जल्दी और जोर से। हाँ कहाँ से लाए थे? हाँ लगा, पूरी ताकत लगा, हाँ जकड़ो उसको अंदर से, आग लगाओ उसके, तेज जला देता हूँ पूरे, दोनों हाथ जला देता हूँ। बोल सतेगा दोबारा समरीन बेगम को? हाँ हाँ जोर से बोल, सतेगा, लिंगा उसकी जान, मारेगा उसको, करेगा उसको पेटों में दर्द? हाँ तोबा कर जल्दी, तोबा कर, मुंह पे हाथ मार, तोबा बोल, तोबा तोबा बोल जल्दी, हटा के जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, तोबा। हाँ लगेगा बीमारियां, मर्याली औरत है, आदमी है तू, कौन है, कौन है मर्याली औरत है कि आदमी है? जिन्नात है, शैतान है, अच्छा जला जला जला, छोड़ते छोड़ते पूरा मार के जला, जल्दी बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरा, पूरा भस्म कर दूंगा, जला उसको, जला, हाँ बोल जोर से, जोर से, तोबा तोबा कर, बोल तोबा बोल, तोबा बोल जल्दी, हाँ बोल तोबा, तोबा बोल, तोबा बोल, मुंह पे मार दो ना हाथा, तोबा कर, तोबा कर जल्दी, मुंह पे मार के हाथा कर, तोबा जोर से, जोर से, जोर से, इसको क्या जकड़ो, जकड़ो, और तेज से, कौन था औरत ने लगा, आदमी लाया, कौन लाया? आदमी लाया था, डाला घर में, आदमी ला के डाला इसके आंग में, अच्छा कितना टाइम हो रहा डाल के, एक साल, दो साल, दस साल, कौन डाला था? औरत, आदमी, अच्छा आदमी डाला था, अच्छा डाला था तूने, अरे हाँ कुछ नहीं सुनते, हम अभी पूरा चला दूंगा,
अच्छा वो आदमी कहाँ का था? नाम नहीं पूछा मैं आदमी का, इसके ससुराल का था मायके का था? उधर का था। किधर का? किधर ससुराल का था। अच्छा उन्हें लाया तो कहे में मिला के खिलाया था? कहे में मिला के? नाम नहीं पूछा मैं, नाम पूछा मैं? नाम नहीं बयान करना अभी, नाम नहीं बयान करना अभी, नाम पूछा मैं? कहे में खिलाया था? कहे में खिलाया था? वो हाथा पकड़ के रखो उसके। कहे में खिलाया था? कहे में? बिरयानी में। अच्छा बिरयानी में। क्या बोला था इस छोटी को? मार दो बोला था तुझे? मार दो बोला था? बोला था मार दो। तू इसको बीमारियां लगा के मार दे रहा था? मार रहा था। बाद में बच्चों को मारने वाला था? बच्चों को मारने वाला था। अच्छा, पूरे घर को एक एक से? अच्छा सबको खिलाया वाला? हाँ खिलाने में लाला, सबको मार रहा था, सबको मार रहा था। तोबा तोबा कर, तोबा तोबा। जादू कहाँ से कर रहा था? शमशान से खबरस्तान से? सब मालूम रहता मगर तेरी जबानी पूछाना पड़ता। किसकी जबानी पूछाना पड़ता? तेरी। मेरी जबानी क्यों पूछो मई? बैठूंगा तू अंदर, मनमाना करेगा तू। तोबा कर, तोबा कर, दोनों हाथ मुंह मार के तोबा कर, जोर से तोबा कर। तोबा तोबा बोल, अल्टा के बोल, तोबा तोबा चीख मार, चीख मार के बोल, दोनों हाथ मुंह में मार के बोल, तोबा 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 कर जल्दी। चीख मार, चल बाहर निकल जा, अब सब जला के राख कर दे, निकल साले कमी। चल बाहर छोड़ उसको, निकल बाहर ठहर, छोड़ उसको और बाहर ठहर। छोड़ ले लू कतर के दोनों हाथों, चल जा। चल अब जा और दूसरी चक्कर में सब याद करके आगे तैयार करना। सुना क्या? आगे सब तफसील में पूछूंगा। सुना क्या? चल जा। क्या नाम है इसका? पानी का गिलास। ओए समरीन बेगम, समरीन बेगम पानी पियो। कौन से गांव से आए थे? पात्रिस। जोर से बोल रहे? पात्रिस। खाना नहीं खा के आया क्या? और दूसरी बात क्या बोलते हो तुम्हारे, कब से हो रहा है ऐसा? ये तकरीबन शादी जब से 6-7 महीने के बाद। क्या तकलीफ होती थी? ये चक्कर आते थे। कैमरा घुमाओ, पीछे जाओ, चक्कर आते थे वो। इधर से जाओ, उसका लो जो बात कर रहा हूँ उसकी तरफ नहीं मारते क्या? हाँ चक्कर वो आते थे, पेट में दिक्कत था। हाँ और बस ना, वो कभी कभी एक आने बार ऐसा बोलते थे कि समझो घर में कोई बात कर रहा मेरे को, ऐसी आवाज आ रही। औरत की आदमी की? खाना तो इतने टाइम खाया जाता कि बेटे वो औरत की आदमी कुत्ता नहीं बोले। वो अंदर बैठे बला है और वो बला खिला के लाके छोड़े आएगी। बला नहीं बोली ना बिरयानी होगी, कहीं खिलाया XYZ, मुझे तो अभी नहीं पता। आगे तुम सब पूछूंगा, मुझे सब मालूम भी है तो मैं मेरी जबानी बयान नहीं करता, मैं तुम्हारे को तुम्हारी जबानी बयान करके पूछाता हूँ लोगो, समझे तुम? और दूसरी बात, मैं अगर मेरी जबान नहीं बोलूंगा तो तुम मेरे बात पर ट्रस्ट नहीं होगा ना, सही बोला झूठ बोला तुम ऐसा सोचेंगे और मेरे ऊपर शक करेंगे, तो इसलिए बेहतर है यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है तुम्हारी जबानी, तुम आपको सब पूछा देते क्या मामला था क्या। इससे पहले बहुत जगह बताएंगे, दुआ पानी को बताए थे क्या? बहुत जगह बताए, कहाँ कहाँ, हिंदू मुसलमान सबको? एक बार हिंदू बताया था, बाकी सब मुसलमान। ओ पुतले के जैसा मत ठहरो ना, जरा कैमरा इधर भी मारो ना, दिमाग घूम होगा तुम्हारा शैतान देख के। हाँ बहुत जगह बताया था, एक जगह पीछे से हटके, पीछे से बहुत कैमरे की वो जूम हो रहा हो। हाँ एक जगह बताया था, जयपुर बोल के गाँव है वहाँ बताए थे एक बार, गैर पता और बाकी सब अपने मुसलमान। हिंगोली को बताया, इधर बताया, उधर। हिंगोली में कहाँ पे? वो मौलाना का नाम मालूम नहीं। अच्छा तो वो क्या हुआ वहाँ, हाजिर हुआ कहीं? नहीं वहाँ कुछ नहीं, उन्होंने बोले कुछ नहीं बोले। कहीं हाजिर होकर सवाल जवाब हुए? अब वो उनकी अम्मी की तरफ एक बार बताए थे तो उनकी अम्मी मैंने था जब वो टाइम वो नहीं पूछा। मैं तुम अभी ये पूछा उसके आंग पे घर पे कभी हाजिर हुआ क्या, और इलाज वालों के सामने कभी हाजिर हुआ क्या तुम अभी तक बताए तो? हुआ था, वास्ती के मौलाना थे उन्होंने लाए। क्या बोला तुम? मैंने कहा हूँ दो टाइम ऐसे कैसे आधे अधूरे बात याद है तुम्हारा? नहीं तो उनके अम्मी घर को देना हो। और क्या तकलीफ हो रही थी घर में? घर में तकलीफ जो कैमरा ऑन होता, उन्होंने बहुत सारे जगह बताए, बोलते कहाँ बोल रहे थे वो हिंदू मुसलमान सब तक, बट वो कहीं पर भी हाजिर नहीं हुआ। और एक जगह हाजिर हुआ था, वो क्या बोला वहां, क्या नहीं, क्या बोला क्या नहीं बोला उनको कुछ मालूम भी नहीं, उनके मालूम बोलते बच्ची के। और दूसरी बात,
ये खुद ब खुद आने वाला नहीं है, खिला के छोड़ वाला अटके वाला, अंदर दवा अटके आई नहीं उसके पेट में, उसको वो दवा क्या करती है, लोग चिमक का लोग खींचता उसको खींच खींच के वारों को बुलाती, वो आते उसको परेशान करते रहते पेशेंट को, पेट में दर्द सिर में दर्द तकरीबन, और खाना बहुत खाया जा रहा था क्या जोर से बोल, बहुत खाया जाता था, 5-5 मिनट उधर 10 मिनट खाना, वो अंदर बैठ के खाना भी खा रहा था उसके। अब उसको मैं खिलाता हूँ ना, कैसा दुआ का पानी खिला पिलाता हूँ और खिलाता हूँ उसको, दुआ का पानी जैसे जैसे पींगा उसे सब धनाधन धनाधन मार पड़ के कट के खत्म हो जाता हूँ। और दूसरी बात ऐसी बात है कि यहाँ हाजिर नहीं हूँगा तो कहाँ हाजिर हूँगा, यहाँ हाजिर होना ही होना पड़ता, मगर इन्ना मदामाल बिन्नी तुम्हारी नीयत अगर क्या बोलते तो लड़ाई झगड़े करने की है तो फिर सामने नाम नहीं आता, खुद ब खुद निजामुल्लाह की तरफ से चल पाया। और अगर तुम तुम्हारी नीयत लड़ने की नहीं है तो एक ही सेकंड में तुम्हारा सामने आके बयान हो जाता। कितनी बार आए थे यहाँ? यहाँ पहली बार है। पहली बार है। कितनी बार में हाजिर हुआ? एक ही बार। हाँ वैसे तो सबका अलग अलग रहता। और दूसरी बात, अभी हाजिर करने के 2-5 लाख दिए होंगे कुछ मुझे? नहीं, 1 रुपए। 1 लाख तो दिए होंगे? नहीं नहीं, पैसे नहीं दिए। तो वो ऐसा मामला रहता, सबका अलग अलग दास्तान रहती, सबके अलग अलग राज रहते, अलग अलग तरीकों से हल करना पड़ता उसके। बाकी हर चीज का निचोड़ अल्लाह का कलाम है, समझो लोगों, और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और इबादत किया करो। इबादत तुम करेंगे तो तुम कोई वबा कोई बला कोई जादू टोने की हैसियत नहीं है तुम्हारे नजदीक आकर तुमको सहमत दे सके। लोगों, अल्लाह ने इबादत के लिए जिन्नातों को शयातीनों को भी पैदा किया था, लेकिन उन्होंने इबादत नहीं करे, आधे भटक गए और आधे इबादत की राह पे। जैसा इंसान को भी इबादत के लिए पैदा किया था, आधा भटक गए और आधा इबादत की राह पर है, वैसे और हारूत और मारूत ने दुनिया में आकर सबको जादू टोना सिखा दिए। वाकयात पढ़ो तुमको पता चलेगा, उनको उल्टा टंगा के रखे अल्लाह, बोले हमको लामहदूस जिंदगी में आजाब नहीं होना, दुनिया में आजाब दे दो, तुम दुनिया में क़यामत तक करते आजाब में रखे अल्लाह। और दूसरी बात, अल्लाह कुरान में भी फरमाता, सूरह बकरा में भी फरमाता, बहुत जगह जादू का जिक्र आया कि उम्मत सीखो और सीख के एक दूसरे को परेशान मत करो। मोमिन बंदो और मुसलमानों, मैं तुमको बार बार एक बात बोलता, जादू टोनों की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह वालों के सामने, अल्लाह के कलाम के सामने। पढ़ने वाली जबान भी तो होना, तख्वा परहेजगारी करने वाली जबान भी तो होना, अल्लाह उसके रसूल की शान बयान करने वाली जबान भी तो होना, अल्लाह उसके रसूल के शान में जिक्र अस्कार 24 घंटे करने वाली जबान होना, तो फिर तुमसे वबाएं बलाएं डर के भागेंगे, तुम जादू टोने करेंगे, एक दूसरे पे करने का उटाला करेंगे, तो कहाँ से तुम में तासीर रहेगा। और लोगों, ब्लड लाइन भी तो कुछ है, खून खून भी तो कुछ है, जात जात पे जाती, दराती घास पे जाती। दूसरी बात, तुम बोलेंगे ऐसा कैसा बोल रहे, हाँ खून खून का मामला है, ठीक है ब्लड लाइन कैसा रहता, फितरत रहती इंसान की उसके खून के अंदर। तुम्हारे अगर जादू टोने करेंगे अभी एक दूसरों के ऊपर, तो तुम्हारे आने वाली नस्लें की जो बच्चे रहेंगे वो भी बहुत बदमाश पैदा होंगे, शैतान के नुतफे के साथ मिल के पैदा होंगे, यानी कि तुम और शैतान की मिक्सड औलाद पैदा होंगी अगर तुम जादूगरों करने जाएंगे, जादू टोने करेंगे एक दूसरों के ऊपर, और तुम जिक्र असकार और इबादत करेंगे तो नेक सालहीन औलाद अता करेंगे अल्लाह तुमको, मैदान के गाजी मर्द मुजाहिद। और दूसरी बात, मोमिन नेक सालहीन ऐसी औलाद अता करेंगे अल्लाह, जो टट के मुकाबला करेंगी उम्मत की हिफाजत तो अल्लाह करेगा मगर उनके जरिए से लेगा। तो बहुत सारे राज है, बहुत सारे बात है। और माँ बहनें अगर बिगड़ जाएंगी तुम पर, माँ और बहनों को इतना बड़ा रुतबा अल्लाह ने दिया माँ को कि माँ के पैर के नीचे जन्नत डाल दिया उठा के, अल्लाह ने बोल दिया कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। तो तुम माँ बहनों अपना रुतबा तो समझो, मर्तबा तो समझो, जादूगरों के पास जाने से पहले उस पर लानत भेजो जादूगरों के ऊपर, क्योंकि तुमको अल्लाह ने दीन की तुम्हारे हाथ में क्या बोलते तो बहुत बड़ी वो दिया ली, तुम्हारे कोक से अल्लाह ने पैगंबरों को जनाब, अल्लाह ने औलिया अल्लाह को, सारे दुनिया की मैं बयान नहीं कर सकता, बड़े बड़े शख्सियत माँ के कोक से निकला। और माँ का कोक, माँ की सोच और माँ का दिल अगर खराब है, जादू टोने कर रही जाके जादूगरों कने, बुत परस्ती कर रही, शिर्क कर रही, बिद्दत कर रही, तो उसकी औलाद तो बहुत खतरनाक गलीस पैदा होंगी फिर दुनिया में, फितने फसादात डालने वाली। तो इसलिए माँ अगर नेक रहेंगी तो बच्चे भी नेक सालहीन पैदा होंगे, और वो बच्चों से अल्लाह खिदमत खल्क भी लेंगा। और दूसरी बात कि तुम उस दुनिया और आखिरत सवर जाएंगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा कोक जो है माँ का वो रूहानियत का पहला स्कूल है, और माँ की गोद दुनिया का पहला स्कूल है।
तो बताओ बच्चे में रूहानी पावर इसी नहीं रहेगा तुम्हारे, तो वो फुसका फटाकड़ा हो जाएगा जंग के मैदान में। तारीख के पन्ने उठा के पढ़ लो, तारीख गवाह है कि पूरी दुनिया और पूरा वर्ल्ड ये बोलता कि मुसलमान मुट्ठी भर के थे मगर पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करे, उनके रूहानियत मजबूत थी ना, उनकी इबादत तखवे मजबूत थे ना, उनकी माँ भी वैसी थी ना, फिर उनकी माँ भी उतनी नेक थी ना, उनको वजू से दूध आ पिलाई उनके माँ ने, सूरह यासीन पढ़ के, सूरह रहमान, सूरह मुजम्मिल, सूरह जिन, सूरह वाकिया, सूरह बकरा ऐसे पढ़ पढ़ के पिलाए ना। बताऊँ तुमको एक वाकिया बताऊँ, बयान करूँ, एक मिसाल दूँ। एक बच्चा रहता छोटा सा अम्मी के गोद में बैठे वाला, तो अम्मी क्या करते हैं उस गोद में से उठा उतर के उंगली पकड़ के लेके जाते हैं कुरान शरीफ सिखाने के लिए। बोलना आ रहा तो मेरे बच्चे को हाफिज बनाना है मुझे, मेरे बच्चे को बोल के लेके जाते हैं हाफिज साहब के पास मकतब को, नेक मकबूल खातून पर्दादार खातून जाके खटका देती मकतब को, हाफिज साहब अंदर से आलिम साहब जो भी है दोनों बयान करते, फरमाइए कौन है। तो बोले मैंने मेरे बच्चे को लाई, मैं बेवा हूँ और मेरा ये जो बच्चा है मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको हाफिज बनाओ, इस कुछ भी करो इसको हाफिज बनाओ, आप पढ़ाओ इसको। तो उन्होंने बोलते ठीक है, मकतब में छोड़ दो बच्चे को, मकतब में छोड़ देते और शाम दोपहर के वक्त पता है पूरा मकतब और जाके बच्चे को घर को वापिस छोड़ के आते। क्यों छोड़ के आते सुनो, वो बच्चा जब ऐसा बैठता तो छोटा सा बच्चा लिब्बे पढ़ने वाला बच्चा, एक खाली बात करनी जिसको आती है लिब्बे जिसको सिखाते वैसा बच्चा, तो हफीज साहब पूरे बच्चों को लेकर बैठते आलिम साहब और बोलते कि बेटे चलो पढ़ो कायदा पढ़ो अली बे ते से पढ़ाते बैठे उनको सब बच्चों को मकतब में। तो वो बच्चा क्या करता उन्हें भी बैठता, तो उन्होंने बोलते सुना बेटे तुझे कुछ याद है क्या जैसा अली बे ते से कुछ अम्मी ने घर में पढ़ाया क्या। तो बच्चा जब पढ़ना चालू करता अल्लाह अकबर पूरा सूरह बकरा पढ़ लेता वो बच्चा सवा घंटे का सूरह बकरा। हफीज साहब की होश दिल और दिमाग काम नहीं करता, देखते जी बोलते अरे बाप पहली बार देखा मैंने मेरी जिंदगी में, ला महद जितना तुम्हें जिया उतने जिंदगी में इतना छोटा बच्चा जो कायदे के अंदर अभी अलिफ सही से नहीं बोल सकेगा उन्हें सूरह बकरा कैसा क्या पढ़ लिया पूरा। बल्कि हफीज साहब उठते हम पूरा मकतब सब मिल के जाके अम्मा के घर को खटका देते और खटका देके बोलते हमने आपके बच्चे को ला लिया रिटर्न। तो उन्होंने बोलते क्यों, उनके अम्मी घबरा के अंदर से आवाज देकर रोते, बोलते पर्दे के पीछे से बोलते क्या मेरे बच्चे को कुछ खता कर दिया क्या, आप उनको नहीं पढ़ाना चाहते क्या, वो फिर उन्हें हफीज कैसा बनेगा। तो उन्होंने बोलते अम्मा मैं पहली बार देखा ऐसा बच्चा जिसने पूरा सूरह बकरा पढ़ लिया, और मैं इसको पूछा कि सूरह बकरा कहाँ से सीखा बेटे तू, तो बोले मैं मेरे अम्मी के गोद में बैठा हुआ रहता था और उन्होंने ये पढ़ते थे दिन भर बर्तन मांजते वक्त खाना पकाते वक्त सोते वक्त उठते वक्त, तो मैं उनका सुन सुन के याद कर लिया, दूध पीते पीते सुन सुन के मुझे याद होगा सब। तो बताओ वो माँ कितनी नेक थी, बाद में बच्चा बड़ा होके कौन बना मालूम तुम्हारा, पूरी दुनिया जिसकी मिसाल देती वो बच्चा बना, वो अहले हदीस तबलीग जमात इस्लामी देवबंदी शिया सुन्नी सब जिसका अदब करते वो बना वो बच्चा सैयदना सैयद अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो अब बताओ वलियों का शहंशाह बनाया अल्लाह ने, सारे वलियों के गर्दन पे उसका पैर था, कभी इतना वलियों का ताज इतने बड़े पैमाने पे पिना दिया कि मैं तुमको बयान नहीं कर सकता। कैसा था माँ के गोद में ही जब बच्चा बोलना चालू करता जब ही सूरह बकरा याद कर लेते, माँ कितनी नेक थी, सूरह बकरा चलते चलते फिरते फिरते पढ़ते रहते थे 24 घंटे, सुन सुन के बच्चे ने याद कर लिया। तुम अगर जाके जादू टोने करेंगे जादूगरों के पास जाएंगे माँ बहना जादूगरों के पास, वो जादूगरों के आंखों में सुअर का बाल रहता तुम्हारे को क्या बोलते, तो उन्होंने सुअर का बाल शैतान के पुजारे रहते हो उनको ना अल्लाह का ना रसूल का डर, फिर तुम्हारी ना वहाँ कोई चीज बरकरार रहती ना इज्जत ना आबरू ना कुछ, और उल्टा तुम्हारी नस्ल बर्बाद कर देते हो, तो तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाती। तो माँ बहनों समझो बिद्दत से शिर्क से ये सब चीजों से बचो और अल्लाह बचाए, क्योंकि तुम अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे, और बुजुर्गान दीन की औलिया अल्लाह की नबी की अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सिखाओ बच्चों को, उनके सीनों में अगर मोहब्बत रहेंगी अल्लाह उसके रसूल की औलिया अल्लाह की बुजुर्गान दीन की शहदाइन की करबलाइन की सहाबा इकराम की साबाइन तबताबाइन ये सब की मोहब्बत रहेंगी तो फिर वो बहुत मजबूत ईमान रहेगा उनका, और अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बोलने को तो बहुत कुछ है मगर मैं तुमको सीख देता इसलिए देता कि बाबा मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलूंगा, और मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही वर्ल्ड के अंदर वहां वहां तक कोई ना कोई सुन रहा, कोई माँ सुन रही, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई सुन के अगर अमल करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी भी दुनिया आखिरत बनेगा सबकी बनेगा हमारी भी बनेगा सबकी बनेगा और सबकी हिफाजत भी करेगा अल्लाह। और तो इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से सादात का अदब करो,
बहुत बुजुर्गान दीन गाती थी, इसकी हद नहीं। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये जो मामला है इसको आगे पूरा कतरते कतरते कतर के खत्म करूंगा। जा बोले तो जाने वाले किस्मी की बला नहीं है ये, क्योंकि हाजिर तो किसके सामने नहीं हुई थी, ये खानदा किसकी हुई थी, मगर वहाँ सवाल जवाब तो नहीं कराऊंगा उन्हें, क्योंकि खुला बोलता हूँ मेरे सामने सवाल जवाब करने मुतबरी कर रहा था तो वो छोटे मोटे को गिनता क्या उन्हें। और दूसरी बात आगे तफसील में सब पूछूंगा और उसको पूरा कतर के भस्म करूंगा। अब अपने मर्जी से जाने वाले किस्म का नहीं, वो चले जा बोले तो चले गया, फिर जैसा कि बताओ उसको लोग चिप मक्का से फिसता बस अंदर, फिर वो दवा बुलाती, फिर वो अंदर आता परेशान करता इसको, भाग जाता चलते रहता खेल, इसलिए फ्यूज उड़ा देना पड़ता, फ्यूज उड़ गया तो सब रेड हो। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको अल्लाह हिदायत दे और दीन दुनिया की दौलत से भी नवाज दे और अहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रोक दो बताओ इधर।